फरीदाबाद के छोरे सौरभ पंडित ने पिछले 24 घंटों में यूट्यूब पर हंगामा मचा दिया है। फरीदाबाद में पिछले कुछ घंटों से सिर्फ सौरभ पंडित के नए रिफिक्स गाने को ही सर्च किया जा रहा है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये गाना कोई नया नहीं बल्कि पुराने आ देखें जरा किसमें कितना है दमका रीमेक, वो काली रात है, जिसे एक दिन पहले ही यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इसे अब प्रति घंटे 1,000 लोग देख रहे हैं। इसमें सौरभ पंडित ने मुख्य किरदार निभाते हुए खुद रैप किया है। 2015 में 3 साल पहले सौरभ पंडित ने रोहतक वाली सॉन्ग से शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने रैप किया था, जिसे उनके फैंस कम सपोर्टर ने खूब पसंद किया था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से अपने चाहने वालों के लिए रैप किया है। इस बार उन्होंने पुराने गाने आ देखें जरा किसमें कितना है दम को चुना है, जिसका रीमेक वो काली रात सॉन्ग लेकर आए हैं, जिसे एक दिन पहले 16 जून को यूट्यूब पर अपलोड किया गया। अपलोड करने के बाद उन्हें चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उनके चाहने वालों ने गाने को जमकर पसंद किया है, जिसका अंदाजा उन्हें तब लगा जब पिछले 24 घंटे में करीब 25,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। चाहने वालों के प्यार को देखकर अब सौरभ पंडित काफी खुश हैं, इसलिए उन्होंने सभी को धन्यवाद किया है और वायदा किया है कि जल्द ही और नए अंदाज में वह उनके सामने नजर आएंगे। अपने नए सॉन्ग के बारे में जानकारी देते हुए सौरभ पंडित ने बताया कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम का रीमेक वो काली रात पावर बुल म्यूजिक के बैनर तले बना है, जिसमें डायना ने अपनी आवाज दी है, जिसमें रैप सौरभ पंडित ने खुद दिया है और अदाकारा खुशी ने अब उनका साथ दिया है, जिसकी शूटिंग फरीदाबाद में की गई है। पंडित ने बताया कि अभी तक आपने रिमिक्स सुने होंगे, मगर ये रिफिक्स है। इस रिमेक में सौरभ पंडित के साथ देवेश शर्मा, आकाश, दीक्षित, प्रियांशु, सचदेवा, गीतांश मल्होत्रा, सचिन पंडित, उदित महाना, हेमंत और प्रशांत ने भी काम किया है। एक्चुअली क्या सर, पहले होते थे रिमिक्स, अब रिफिक्स का दौर हो गया। तो ये रिफिक्स है हमारे आ देखे जरा सॉन्ग का, और इसमें हमने ऐड किया है एक रैप, जिसको मतलब मैंने खुद लिखा है और लोग भी कर रहे हैं। हमने सोचा कि ये हमारा फर्स्ट ट्राई है, हमने सोचा हम भी करके देखते हैं, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है इसका। अनएक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेशन इसका रिजल्ट है हमारा, तो इट वॉज लाइक वेरी गुड जी। तो इसकी बात करें तो कैसे बनाया गया, कहाँ शूटिंग हुई इसकी, और कितना समय लगा, और किस तरह से आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? ये हमारा शूट जनवरी में हुआ था, किसी कारण से इसकी वीडियो हमारी डिले हो गई थी, और ये शूट फरीदाबाद में ही हुआ है, हमारे वर्ल्ड स्ट्रीट में हुआ है, और एक क्लब में हुआ है शूट। ये इसमें मेरे साथ एक न्यू सिंगर ने फीचर किया है, डायना। हाँ जी जी। तो आपका किरदार क्या रहा है इसमें? मैं इसमें एक्टर हूँ, कहानी मेरे आसपास चल रही है, और प्लस मेरा रैप है इसके अंदर। आफ्टर 2015 रोहतक वाली आया था मैं 2015 में, एंड आई लव रैपिंग। उसके बाद 2018 में 3 साल बाद मेरा सॉन्ग आया, एंड आई एम सीरियसली वेरी एक्साइटेड, और इसके रिव्यूज, ओह माय गॉड। तो क्या इतना आपने सोचा था कि इतना रिजल्ट आपको मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इसकी जो हमारी स्पीड आ रही है पर आवर 2000 व्यूज आ रही है, और सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों के रिस्पांस, रैप उनको बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, स्टोरी बड़ी अच्छी लगी उनको, और काफ़ी लोगों ने इसमें मतलब साथ दिया इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद क्या, अगर इसी तरह से अगर पर घंटे व्यूवर्स बढ़ते रहे तो
अगर एक महीने या दो महीने लगातार अगर ये चली वीडियो तो कहाँ जाके रुकेगी? ये तो व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी स्पीड से आगे देखते हैं, लेकिन हाँ हमारी उम्मीद है कि दो या तीन दिन में हम लखपति तो बन ही जाएंगे, मिलियन क्रॉस कर दें आप। थैंक गॉड। तो जो रैप की जो प्रशंसा हो रही है उसकी कुछ लाइनें सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उसकी चार लाइन सुनाता हूँ कि वो काली रात कर देती थी लिखने पे मुझको कुछ मजबूर, किसी खलनायक की तरह हो जाए नाम थोड़ा और मशहूर।